देखिए दोस्तों, ये बेंच ग्राइंडिंग मशीन है। इसको लेते समय हम ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण इसका जो रोटर है वो बार बार चिपक जा रहा है ऊपर की ओर। और इसमें भी हम बार्निशिंग कर दिए हैं ताकि थोड़ा कॉइल मजबूत हो जाए। बार्निशिंग भी बढ़िया से नहीं किया हुआ था, जिसके कारण देखिए बार्निशिंग कल किए हैं तो थोड़ा इसका अच्छा हो जाएगा, थोड़ा मजबूत रहेगा, क्योंकि इस रोटर घूमता भी बहुत ज़्यादा है। इसका कंडेंसर अगर देखें तो 5 5 माइक्रो यूएफ है। देखिए दोस्तों, ये रोटर जो है इसमें असेंबल हम कर दिए हैं। इसको कस भी देने के बाद क्या होता है, बार बार ये ऐसे चिपक जा रहा है इसका चैम्बर में। इसका आप लोग लेते समय हमेशा देख लीजिएगा कि इसका जो रोटर है मोटर का सही से घूम रहा है या नहीं। हमेशा इसको मोटर चलता है तो थोड़ा सा इसका जो रोटर है ऊपर उठ जा रहा है। बहुत माइनर फर्क है, लेकिन उसके चलते चिपक जा रहा है, वन साइडेड हो जा रहा है, इसीलिए इसको लगाए हैं दोनों साइड। देखिए दोस्तों, इसको इसी तरह असेंबल कर देना है, कर दिए। ये जो थोड़ा रोटर था यही ऊपर उठ जा रहा था, जिस कारण मैग्नेट बन नहीं पा रहा था सही से, चैम्बर में चिपक जा रहा था। लेते समय आप लोग हमेशा इसको ऑन करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि मेरे जैसा दिक्कत ना हो आपको। नया में ही हमको बनाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसका जो रोटर है बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। कारण क्या है, सिर्फ इसका 2 रुपये का चीज़ हम ये इतना काट के इस साइड यहाँ पे चिपका दिए हैं, यही ये, और 2 रुपये का चीज़ इस साइड चिपका दिए हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दोनों। उसके कारण देखिए अब रोटर कितना फ्री हो गया, नहीं तो जाम हो जा रहा था। देखिए उसको हम ऑन करके दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ छोटा सा 2 रुपये का सामान इस्तेमाल करके पूरा भारी भरकम मशीन ठीक हो गया। देखिए कितना फ्लो है रोटर, ये मार्केट में आपको, देखिए दोस्तों, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। चिपकाने वाला है, दोनों साइड से गोंद होता है, आप लोग तो यूज किए होंगे, कोई बड़ा चीज थोड़ी। तो अभी सिर्फ 2 रुपये का सामान से ही ये बन गया पूरा मशीन, नहीं तो यूज के लायक ही नहीं था। मैग्नेट बार बार चिपक जा रहा था चैम्बर में। देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना फ्लो हो गया। अब हम इसको कस के आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं दोस्तों। चारों जो है रबर का पैर था, इसको हम कस दिए हैं। अब इसका हम व्हील का जो कवर चैम्बर है, इसका दोनों का लगाना जरूरी है, उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब लाइन देने पे कितना बढ़िया से ये रोटर घूम रहा है आपके सामने।
यही रोटर जो था इसका बार बार लाइन देने पे ऊपर चिपक जाता था थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ये चारों नट कसा गया। अब इस देखिए दोस्तों ये दोनों साइड का बेंच है, छोटा बेंच है वर्क करने के लिए, वर्क बेंच है। अब इसका जो है ये कवर यहाँ लग जाएगा और इसमें जो है देखिए दोस्तों ये आपका बिल लग गया इस तरह से। देखिए दोस्तों ये बासर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद दूसरा बासर है यहाँ पे पेपर के साथ है, यहाँ पे लग जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो बल्टू है इसको लग जाएगा। देखिए दोस्तों उस इस साइड जो था महीन दाना था और इस साइड जो है मोटा दाना घिसने वाला है, और इसका बासर उसी तरह सेम लगा देना है इस तरह से। देखिए उसके बाद ये वाला बासर इस तरह से दोस्तों लग जाएगा। फिटिंग आपको दिखा दिए कि आप कभी खोलिएगा भी तो कभी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, लग जाएगा दोस्तों। इसको कस रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों इसका जो स्क्रू कसने वाला है इसका रिवर्स कसाता है दोनों साइड। दोस्तों ये जो व्हील है इसका पकड़ के कसना पड़ता है, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, इसलिए इसको व्हील को आपको पकड़ के ही आप टाइट कर पाइएगा। ये देखिए दोस्तों इसका ये व्हील का कवर है, जरूरी है लगाना। फाइनली देखिए दोस्तों ये मशीन को मैंने कस दिया है, और जो ये इसका व्हील का चैम्बर था इसको भी हम कस दिए हैं पूरा। और ये आई का सेफ्टी के लिए है क्योंकि चिंगारी मारता है घर्षण के बाद, ये दोनों आई प्रोटेक्शन के लिए है दोस्तों। देखिए इसमें भी प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है इसमें भी, और ये व्हील है, ये जो है मोटा दाना है और ये महीन दाना है। अब देखिए दोस्तों हम घिस के दिखाते हैं आपको, सिर्फ चैम्बर सड़ जाता था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था, नया से ही समस्या था इसके साथ। अब देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको घिस के। देखिए दोस्तों इसको बना दिए, इसको अभी देखिए आपके सामने इतना घिस दिए हैं, देखिए ये घिसे ये घिसे दोस्तों। इसका इस पे जब भी आप ग्राइंडिंग कीजिए तो आई प्रोटेक्शन के लिए चश्मा जरूर पहनिए, ठीक है। और हम इसका आपको वाटेज बता दे रहे हैं, देखिए दोस्तों ये आपका वाटेज हमको बता दे रहे हैं, 240 वाट का है, 230 वोल्ट चलेगा, 220 से 30 वोल्ट, 50 हर्ज और 30 मिनट तक। ये देखिए 150 mm है दोस्तों, ठीक है, बेंच ग्राइंडर। इसके लिए दोस्तों हम एक सावधानी बता रहे हैं कि जब भी आप इस पे ग्राइंडिंग कुछ भी कीजिएगा तो ये तो आपको चिंगारी जो मारता है इससे प्रोटेक्शन करेगा ही, लेकिन चश्मा जरूर पहनिएगा जिससे आपका आंख हमेशा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोहा का छोटा छोटा कण निकलता है घिसने पे, इधर महीन बुरादा है इधर मोटा बुरादा है। तो दोस्तों इसको
ध्यान से आप ग्राइंडिंग कीजिएगा, चश्मा जरूर पहनिएगा, हाथ में भी ग्लव्स हो, दूर रह के पकड़ के कीजिएगा ग्राइंडिंग, ताकि हाथ भी ना रगड़ा जाए कहीं। दोस्तों इससे कभी भी नाखून घिसने का प्रयास ना करें, नेल कटर नहीं समझें, बहुत ही पावरफुल मशीन है, इसलिए सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। और इसमें देखिए दोस्तों चार छेद है, यहाँ पे एक यहाँ छेद है और एक यहाँ है और एक देखिए दोस्तों यहाँ पे है और एक यहाँ, ये इसलिए है ताकि आप बेंच में इसको आसानी से कस दें, इसीलिए इसको कहा जाता है बेंच ग्राइंडर मशीन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।